एक सबसे बड़ा एक जो मेरे जीवन में आजादी लेके आया वो ये है कि मैं क्या क्या करता हूं ये इम्पोर्टेंट नहीं, बट परमेश्वर मेरे द्वारा क्या करता है ये बहुत महत्व है। One fact that has brought freedom in my life is the fact that it's not important that what I do, the works that I do, but it what is more important is what the works that God does in and through my life. हमने सुना कि हमको अपने यीशु मसीह का एक इच्छा है, डिजायर है कि हम सब यीशु मसीह का डिसाइपल या चेला बने। The desire of Jesus is that all of us would be disciples of Jesus. और डिसाइपल का मतलब क्या है? What is the meaning of being a disciple? यीशु मसीह का चेला बनने का मीनिंग क्या है? What is the meaning of being a disciple of Jesus Christ? अगर हम सिंपल तरीके से बोले जाएगा तो जो यीशु मसीह से बातों को सुनता है और उस बात को वो अपने जीवन में उसको अप्लाई करने का कोशिश करता है। In simple words, it is the one who listens to the words of Jesus and applies those things in his life. वो सुनकर सीखता है। He hears and then he learns. और वो अपना दिन भर जीवन में कोशिश करते हैं, प्रभु मुझे ऐसा जीने के लिए मदद करो। वो सुनकर सीखता है और अपने जीवन में अप्लाई करने का कोशिश करता है। And he hears it and then he tries to apply those things in his life. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे आके सीखो। And we see that Jesus says that come to me and learn from me. मत्ती 11 में पढ़ सकते हैं। And we can see that in Matthew 11. मुझसे आके सीखो, हम बहुत सारा चीज हम यीशु मसीह से सीख सकते हैं। Jesus says come to me and learn from me. There are so many things that we can learn from Jesus. और हम देखते हैं कि अगर यीशु मसीह का, जैसे मैंने बोला कि उसका चेला बनने के लिए परमेश्वर का बहुत इच्छा है कि सभी का हम उसके चेले बने, उसके अनुकरण करें। यीशु मसीह का चेला बने, परमेश्वर का इच्छा है कि हम सभी यीशु मसीह का चेला बने। To be a disciple of Jesus God also wants that we become disciples of Jesus. और हम देखते हैं कि नौ लूक नौ उसका 23 में लिखा है। And we see that in Luke chapter 8 verse 9. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना अपने आप से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। Luke 9:23 it says that then he said to them, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. और यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि हमको हर दिन अपने आप का क्रूस उठाकर खुद के इच्छाओं के लिए मरना है। Jesus tells us that we should deny ourselves and follow Jesus. इसका मतलब क्या है? But what does this mean? हम देखते हैं कि मत्ती 16 में निकलेगा, मत्ती 16:21 में। And we can see it. It is written in Matthew chapter 16 verse 21. यीशु मसीह वहां पर अपने चेले लोगों का, परमेश्वर ने जो उसके लिए प्लान किया था, उसके लिए जो योजना बनाया था, वो चीज यीशु मसीह इस बात को प्रकट कर रहे हैं उनके चेलों के बीच में। We see that Jesus was trying to tell his disciple what is God's plan for him. और उसमें से एक चेला जो पीटर है, उसमें से क्या आगे बोलते हैं, 21 में लिखा है, 21 में, सॉरी 16:21 में उसमें लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरानी और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। It's written in Matthew 16:21. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes
एंड बी किल्ड एंड बी रेज्ड अगेन द थर्ड डे। जब ये पत्रस सुना उसको अच्छा नहीं लगा, उसने बोला कि ये कैसे हो सकता है, यीशु मसीह हमारे लिए मर सकता है, तू तो राजा है, यू नो, उसके माइंड में बहुत सारा थॉट था। But Peter was not happy and he was saying, Jesus, how can it be? You are the king. You are supposed to be ruling. और तुरंत यीशु ने उसको इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि प्रभु परमेश्वर ना करे मुझ पर ऐसा कभी ना हो। Then we see in verse 22, Peter took Jesus him aside and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord, this shall not happen to you." पत्रस यीशु को बोल रहा है कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए आपके साथ। Peter was rebuking Jesus, saying that Jesus, this should never happen to you. और वो पत्रस सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है? Was Peter thinking in the right way or was he thinking in the wrong way? अगर हम इंसान के तौर पर देखें तो अरे पत्रस बहुत अच्छा सोच रहा है। If we think like a man, then we think no, but Peter was right. हम देखते हैं यीशु मसीह तुरंत वहां पर क्या बोलते हैं? उसने फिर कर पत्रस से कहा, मतलब यीशु ने फिर कर पत्रस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। Then Jesus turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are an offense to me. तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। You are an offense to me. और लिखा है कि क्योंकि तू परमेश्वर की बातों नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगा पाए। For you are not mindful of the things of God, but the things of men. और 24 में इस तरह यीशु मसीह बता रहा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उसे अपना आपका इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। Then we see in verse 24, then Jesus said to his disciple, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर पीटर को ये शैतान मुझसे दूर हो जा बोल रहा है। We can see that Jesus was rebuking Peter and saying that get behind me, Satan. अब परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कितने सारा चीज हमको अनुमति देता है कि हम अपने आप के लिए मर जाएं। And there are many times in our life that God gives us the permission that we should deny ourselves. और 25 में देखते हैं क्योंकि जो कोई same word में 25. We see in verse 25. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए प्राण को खोएगा वो पाएगा। We see in verse 25, for whoever desires to save his life will lose it and whoever loses his life for my sake will find it. और हम देखते हैं कि हम अपने आप को अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको मौका मिल रहा है, कोई हमको इंसल्ट कर रहा है। Sorry, suppose someone is trying to insult us or put us down. और हम वहां पर उसके बदले में हमारा फ्लैश बोल रहा है कुछ करने के लिए और उस समय अगर हम अपने आप के लिए नहीं मरेंगे and that time our flesh will tell us to say something back and that time if we deny ourselves और उस टाइम पे इसका मतलब यीशु मसीह वहां पर बता रहा है कि तुम अपने आप के लिए जो तुम्हारा इच्छा है कि उसको कुछ बोले या कुछ उसको इंसल्ट करे उस चीज के लिए मर जाओ तो वो लिखा है कि तुम मरने के बाद परमेश्वर तुम्हारा प्राण एक नया जीवन देगा तुमको। मरने के बाद परमेश्वर एक नया जीवन देगा। In that time, if someone was trying to put us down, put our will down, and we choose to deny ourselves and we die to our will, then it will be like God will be raising us up from the dead. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पीछे बहुत से लोग चल रहे थे। We can see that there were many people following Jesus. और बहुत से अलग अलग कारण है इसके लिए, कोई चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे। There were many reasons, some were following him for healing. किसी को हो सकता है किसी को ज्यादा अमीर बनना रहेगा। Maybe some wanted to become even more richer. ये ना बहुत से अलग अलग कारण है। There were many reasons why people were following Jesus. But एक स्टेटमेंट हम यीशु मसीह से हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने बोला मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूँ ना कि मेरा। But we need to understand and remember that Jesus came for only one thing in this earth to obey the will of the Father. और लूक 14 में हम देखते हैं। And we see in Luke 14. पच्चीस
लूक 14 उसका 25 को हिंदी में पढ़ सकते हैं? लूक 14 वर्स 25 कैन समवन प्लीज रीड इट इन हिंदी? देखो यहाँ पर यीशु मसीह के पीछे कितने लोग जा रहे थे? पूरे भीड़ की भीड़ जा रहे थे, और उसने पीछे मुड़कर बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को हम कभी कभी सोचते हैं, भीड़ देखते हैं तो हमको बहुत खुशी लगता है, अरे यीशु के पीछे चल रहे, बट यीशु मसीह वहां पर खुश नहीं हुआ। उसने बोला पीछे मुड़कर देखा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, ये ऑलरेडी यीशु के पीछे चल रहे थे लोग, बट वो बताना चाह रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है एक्चुअल में वो अपने आप का क्रूस उठाए। We see that in Luke chapter 14 verse 25 that there were many people, great multitude were following Jesus. And sometimes we think of a big crowd is following Jesus, we may become happy. But we see that Jesus turned around and then he said that if anyone wants to follow me, let him deny himself. If anyone wants to come after me and does not hate his mother and father, wife and children, brothers and sisters. So Jesus was not interested in the crowd, but he wanted people to be his disciples. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह अगर यहाँ पर भी अभी रहेगा, वो पीछे मुड़कर यही बोलेगा कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। यीशु मसीह यहाँ पर रहेगा तो यही सब बोलेगा। Yeah, if Jesus were here today, Jesus would say the same thing that whoever wants to follow me. यीशु मसीह का जो हम देखते हैं कि उसका सिद्धांत हमको समझने का है कि कभी कभी क्योंकि क्रूस पर जाना ये कोई खुशी की बात नहीं है। The teachings of Jesus we need to understand carefully. See, it's not a pleasant thing to go to die on the cross. ये आनंद की बात नहीं है। It was not a happy thing. But एक यहाँ पर देखते हैं कि क्रूस का मतलब अगर हम देख पुराने टाइम में हम देखते थे कि कोई क्रूस लेके जा रहा है, इसका मतलब इसका मृत्यु वो मृत्यु पर जा रहा है, मतलब उसका मृत्यु होना जरूरी है। In the Old Testament, when we see if someone is taking up his cross, then we know that that person is going to die. That death is what is going to happen to him. और यीशु मसीह वो ये नहीं बताना चाह रहा कि तुम क्रूस पर मरो, बट वो बताना चाह रहा कि फिजिकली यीशु मसीह जो मरा वो क्रूस पर हमको नहीं बोल रहा है, बट वो चाहता है कि हम डेली लाइफ के अंदर अपना खुद का जो इच्छा है उसको हम क्रूस पर चढ़ाओ। So that is what Jesus was telling his disciples that you should die on the cross, not the physical death that Jesus died on the cross, but our will should be crucified daily on the cross. You know, ये हर time face करते हैं, कोई हमको insult करता है, कोई हमको हो सकता है हमको गाली देता है। So we face this always and continuously. Maybe someone insults us, maybe someone says something bad or nasty to us. कोई हमको जिस तरह से हम सोचते कि हमको इस तरह से रेस्पेक्ट करना चाहिए, हम वो नहीं करता है। Sometimes we feel okay, we should be respected a certain way, and we don't get that respect. तो हमको वहाँ पर हमको सीखना चाहिए कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप के लिए मर जाता हूँ। In that time we must say that God, we are nothing, and we should die to ourselves. सिर्फ मरना ही नहीं है, but हमको परमेश्वर को बोलना है, प्रभु मुझे मरने के बाद क्या होता है पता है? रिजरेक्शन होता है। Not just dying, but we need to ask God that you raise us up. You know, मैं एक छोटा सा मेरा जीवन से उदाहरण देना चाहता हूँ। I want to take a small example from my life. मैं एक व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहा था। There was one man who was not able to speak. मैं माफ कर पा रहा था किस तरह पता है? मैं उसको कुछ उसको मैं रिप्लाई नहीं करता था या मैं उसको कुछ बोलता नहीं था, बट मेरे मन में मैं सोचता था कि कोई उसके साथ झगड़ा करे या उसको कुछ यू नो गाली दे या कुछ करे, ताकि एटलीस्ट मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, बट वो व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति जो झगड़ा कर रहा है उसके साथ वो बुरा करे तो मुझे एक सैटिस्फाई मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। So brother was saying that there was one person who whom brother couldn't forgive, but brother would think in his mind that somebody should go and fight with him or give him a fitting reply so that brother would feel nice. Brother used to think I am a Christian, I can't fight, but somebody should teach that person a lesson.
और उस व्यक्ति को मैं जब भी देखता था मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता था. And whenever I would see that person, within me I would feel very angry. और मैं खुश नहीं होता था उसको देखने के बाद. उसको देखने के बाद मेरे को अंदर happy feel नहीं होता था. And when I would see him, I would feel happy. So me. When I would see him, I would not feel happy, sir. Yeah. So उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने वचन पर आगे लिखा है कि अगर तुम उस व्यक्ति को पूरे दिल से माफ नहीं करोगे तो स्वर्ग के पिता तुमको भी माफ नहीं करेगा. मेरे को बहुत शक हो गया. The Bible teaches us that if we don't forgive the other person, then God also will not forgive us. And this shocked me. मैं सोचा प्रभु मैं उस व्यक्ति को कुछ बोला नहीं और मैंने कुछ किया नहीं, बट लेकिन ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये मदद करो. I said, God, see, I didn't say anything to him, I didn't hurt him, but this I cannot go. Please forgive me and help me. और मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम मर जाते हैं तो यीशु मसीह का लाइफ हमारे अंदर परमेश्वर देता है ताकि हम एक न्यू लाइफ, जो हम उसको माफ कर सकते हैं, जो हम क्षमा कर सकते हैं, उसके साथ जाके हम डिनर कर सकते हैं, उसके साथ जाके हम चाय पी सकते हैं, वैसा लाइफ परमेश्वर हमारे जीवन में वो डालेगा. When we die to ourselves, then God will put the life of Jesus in us, where we can forgive that person, where we can again dine with that person, we can have tea with that person. So God will give us this new life which is in Jesus. और मैं जो बताया मैंने same exactly मेरे साथ ऐसे हुआ. And exactly this is the same thing that happened with me. मैं जब मेरी प्रे किया प्रभु मैं नहीं कर सकता, मुझे प्लीज मदद करो, मैं ये अंदर से तो मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ, बट देखा कि जब हम मर जाते परमेश्वर हमारे अंदर काम करना चालू कर देते हैं ताकि हम एक न्यू लाइफ जो यीशु मसीह के पास है वो हमको दे. When we die to ourselves, and I said, God, I can't do it. And when we die to ourselves, God puts that new life in Jesus into us and raises us up. मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, क्या आप परमेश्वर को गुस्सा दिला सकते हो? I want to ask you, dear brothers and sisters, can you make God angry? क्या परमेश्वर को आप पाप में गिरा सकते हो? Can you make God sin, fall into sin? कभी सोचा आपने ऐसा कभी? Can you imagine something like that? ये impossible है, नहीं कर सकता. It's impossible. We कभी कभी हम इस व्यक्ति से परेशान हो जाते हैं कि यार इसको कितने बार मैंने समझाया ये व्यक्ति नहीं सुधर रहा है. We may think that this person, no matter what we do, this person cannot become better. But परमेश्वर ऐसा नहीं. परमेश्वर का नेचर ऐसा है हम कितना भी ट्राई बेस्ट करें हम उसको कभी भी हम पाप में नहीं गिरा सकते. But with God it's not like that. No matter how bad the things are, we cannot make Jesus. और मैं बताना चाहता हूँ कि सेम एग्जैक्टली जो जीवन यीशु मसीह परमेश्वर के पास है वो जीवन हमको देना चाहता है. And that same life which is in Jesus, God wants to give that life to us. कितने लोग विश्वास करते हैं? How many of you believe? तुम्हारा विश्वास के अनुसार होने दो ऐसा. How many of you believe this? और जब हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करेगा. And believe that God can do this work in our lives. और मैंने देखा कि और मेरे लाइफ के अंदर इतना इजी हो गया कि लोगों को माफ करने का. And it became so easy in my life that I was able to forgive. मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम दूसरे व्यक्ति को माफ नहीं कर रहे यीशु मसीह का चेला नहीं हो. And I want to tell you that if you can't forgive another person, then you cannot be the disciple of Jesus. अगर चर्च के अंदर कोई भाई परमेश्वर उस भाई को उठा रहे हैं, अगर आप मन में जलन, एक रॉन्ग एटीट्यूड और एक उसके प्रति थोड़ा प्रेम ठंडा रखा है तो आप परमेश्वर का चेला नहीं हो, यीशु मसीह का चेला नहीं हो. And if you, when you're coming to church, if you, if there's something in you that you, some jealousy or some hatred or some bad feeling against a person, then you must remember that you cannot be a disciple of Jesus Christ. और हमको सीखना चाहिए कि प्रभु मुझे please मुझे सीखने के लिए मदद करो. At least अभी time है, हम अभी भी सीख सकते हैं. And for this we need to ask Jesus to help us. God, please help. मैं 100% बिलीव करता हूँ कि यहाँ पर
सभी जन जो बेटे यीशु मसीह का डिसाइपल नहीं है, सभी लोग नहीं है। I believe that not everyone sitting here is a disciple of Jesus. But परमेश्वर का इच्छा है कि यहाँ पर सभी लोग disciple बने। But God's will is that each one of you be a disciple of Jesus. परमेश्वर चाहते हैं कि सभी जन यीशु मसीह को उस तरह से प्रेम करे कि वो अपना first love, devotion यीशु मसीह के लिए सबसे पहला स्थान दे। And God wants that we would have that love for Jesus, that our first love would be for Jesus. अरे यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो कोई अपना माता पिता भाई बहन and here Jesus says that whoever hates his mother father brother sister और लिखा है कि even अपना खुद का प्राण भी and it says even his own life वो छोड़कर ये सब चीज हमारे लाइफ के अंदर रुकावट का कारण बन सकते हैं And all these things can they become a hindrance to us? Yes, surely बन सकते हैं. Yes, surely it can become a hindrance. For example, हम देखते हैं कि कानान देश में यीशु मसीह जब पानी से दाखरस बनेला रहता है, तो यीशु मसीह की मम्मी जाके बोलती है, बेटा कुछ करो. We see when Jesus was making water to wine that the mother of Jesus comes and says, "Son, do something." और यीशु मसीह का reply क्या है देखो हम देखते हैं उधर यीशु मसीह का reply ये महिला बोल रहा है ऐसा नहीं बोल रहा ये मम्मी And we see that Jesus responds to his mother saying that woman and he doesn't say mother but he says woman. मैंने नहीं बोला कभी अपने मम्मी को woman करके I can never say that to my mother saying woman but abhi mujhe yeshu masi ke jaisa banna hai aur but I want to become like jesus to isliye humko dekhte hain ki ye sab cheez hamare jeevan mein ho sakta hai hamara wife hamara mummy ya daddy friends wagera bahut sara cheez hamare jeevan mein humko parmeshwar ke raah par chalne ke liye rok sakta hai we can see that our mother our father our friends there's so many things that can become our hindrance in following jesus isliye humko yeshu masi ka disciple jaisa condition hai sab hum agar main roz church aa raha hu to main disciple nahi ban sakta roz main cross utha raha hu yeshu masi ka din pratidin hum main yeshu masi ka chela hu bhale log bolenge are ye to just aa raha hai ja raha hai but मैं क्रूस उठाकर चल रहा हूँ लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से बैठ के देख रहा है ये व्यक्ति क्रूस उठाकर अपने खुद के लिए रोज मर रहा है और मेरे लिए जी रहा है it is it's not that whoever comes to church every day is a disciple but whoever dies on the cross or is crucified daily on the cross He can become a disciple of Jesus, and that's what God the Father is looking from heaven to see who is a person who is daily willing to be crucified. एक साधु सुंदर सिंह उनका एक statement है. There is one statement made by Sadhu Sundar Singh. उसने इस तरह से बोला है मैं English में पढ़ता हूँ सब हिंदी में translate. Yeah. Okay. It is easy to die for Christ. मसीह के लिए मरना आसान है इट इज हार्ड टू लिव फॉर हिम लेकिन उनके मसीह के लिए जीना बहुत मुश्किल है डाइंग टेक ओनली ए आवर और टू मरना सिर्फ एक घंटा या दो घंटा लगता है बट टू लिव टू क्राइस्ट मीन्स टू डाई डेली लेकिन यीशु मसीह के लिए जीना मतलब दिन प्रतिदिन उनके लिए मतलब मरना है मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ but to live for Christ yeshu masi ke liye jeene ke liye means iska matlab means to die daily matlab roz marna hai dekho ye sadhu sundar singh jo hamare beech mein hamara is india mein the ye unka statement hai wo daily wo bata rahe ki humko marna chahiye wo itna aasan nahi but lord mujhe help karo main marna chahta hu yeshu masi ke you know main ye sab cheez hum प्रीच करना बहुत आसान है मैं बता रहा हूँ इतना आसान है ना बहुत आसान है मैं अच्छा वचन निकल के हम दिखा सकते हैं बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमको इस तरह से जीना चाहिए हर दिन इट इज इजी टू प्रीच टू स्टैंड एंड प्रीच आई कैन ओपन वर्सेस फ्रॉम द बाइबल एंड स्पीक बट टू लिव इट टू स्प्रे इट एंड टू डू दिस डेली टू डाई डेली इज वेरी डिफिकल्ट और एक आखिरी वचन रोमन्स चैप्टर 8 उसमें क्या लिखा है
And the last verse for today, Romans chapter 8, it says like this. आठ ग्यारह को हिंदी में पढ़ सकते हैं? Verse 11, can someone read it in Hindi? Romans chapter 8, verse 11. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, यीशु मसीह जब मर गया, यीशु मसीह खुद से जी नहीं उठा, यीशु मसीह को परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा जिलाया। When Jesus, here it says in Romans 8 verse 11 that when Jesus died, Jesus by himself didn't raise up from the dead, but God through his spirit raised Jesus up from the dead. तो हम ये कोशिश ना करें मैं मरने के बाद मैं खुद से उठूंगा मैं, मतलब या we shouldn't try that after dying that we raise up by ourselves. But wait करो, Lord मुझे उठाओ एक new life की जैसा, new life मतलब यीशु मसीह का life हमको flow होना चाहिए। But we need to wait on God that the new life that is in Jesus that would flow through us. और एक आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये promise है परमेश्वर का जो हम Romans 8:11 जो पढ़ा, जो आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, जो यीशु मसीह को जिलाया मुर्दों में से, वही सेम आत्मा हमारे अंदर है, वो हमको भी जिलाएगा। Here, this Romans chapter 8 verse 11 is actually a promise, the saying that the spirit that raised Jesus up from the dead, that same spirit is in us and it will raise us up also. एक आखिरी चीज मैं बता कर मैं स्टॉप करना चाहता हूँ। One last thing and I would like to stop. You know, मैं अपना गाड़ी पार्क करता हूँ स्टेशन के बाहर। I park my vehicle outside station. वहाँ पर ऐसा हुआ था ना कि किसी ने कोई भाई ने आकर गोवा या तंबाकू पता नहीं कुछ खाते वो खाकर मेरा स्कूटर पे पूरा थूक के रखा था। Somebody had spat on my scooter. और इतना स्मेल आ रहा था। And it was smelling really bad. और मुझे उसी पे बैठ के जाना है। And I have to sit on the same vehicle and go. So जब मैंने देखा। And when I saw. मैं सच कहता हूँ जब मैंने देखा मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर से धन्यवाद निकल रहा था। And really, to tell you the truth, there was only thankfulness in my heart. धन्यवाद निकल रहा था कि Lord, I thank you कि उस भाई के लिए, उस भाई जो मतलब ये सिचुएशन देखकर परमेश्वर ने रखा कि मेरा अंदर का चीज क्या निकलता है, उस भाई को मैं कर्स करता हूँ, अरे ये किसने किया, क्यों किया, इसको समझ में नहीं आता, हम बहुत सारा चीज बोल सकते। When I saw that, it was I could have easily got very, very angry, or I could have cursed very badly. That is easy. अब प्रभु ने मुझे मदद किया, परमेश्वर ने मुझे मदद किया, उस भाई के लिए प्रे करो कि उसका उद्धार हो जाए। परमेश्वर ने मुझे मदद किया, उस भाई के लिए प्रे करो कि उसका उद्धार हो जाए। But God helped me that I would pray for that person and that that person would finally be saved. और मैं सच बताता हूँ कि ये काम सिर्फ परमेश्वर का ही है। And this work is only of God Himself. जिस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को भी बदलेगा। And the way God changed my life, God can change your life too. God bless you. God bless you. Thank God for the nice word that we heard. धन्यवाद करते हैं उस अच्छे वचन के लिए जो हमने सुना। So Jesus at the end of his after he rose again, he gave a command saying that go and preach the gospel, go and make disciples of all nations. और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ उसके बाद उसने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि जाकर जगत में जाओ और सभी लोगों को शिष्य बनाओ, चेले बनाओ। He didn't say just go and preach the gospel and you know make converts. But go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Matthew 28. और मत्ती के 28वें अध्याय के आखिरी वचनों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने न केवल अपने शिष्यों को यह चेलों को यह आज्ञा दी कि जाकर जगत में सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को विश्वासी बनाओ, परंतु उसने आगे यहाँ पर कहा है कि तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। So brothers and sisters, all of us need to have a desire in our heart. First of all, I want to be a disciple of Jesus. अब भाई और बहनों सबसे पहले मुख्य बात यह है कि हमारे हृदय में एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं यीशु मसीह का चेला बनना चाहता हूँ। If that desire itself is not there, then we will not become like a disciple.
और यदि वह इच्छा हमारे हृदय में नहीं है कि हम उसके शिष्य बनना चाहते हैं तो हम नहीं बन पाएंगे. So we know that Jesus wants us to be his disciples. तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सभी उनके चेले बने. Now verse Luke chapter 6 verse 40. और अब हम देखते हैं लूका अध्याय 6 और वचन 46. Luke 6:40 says, a pupil is not above his teacher, but everyone after he has been fully trained will be like his teacher. Or a disciple is not above his teacher, but everyone after he has been fully trained will be like his teacher. और हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 6 वचन 40 में, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा. So when we think of being a disciple, disciple of what? और जब हम चेले के विषय में जब सोचते हैं तो चेला किसका चेला? Some people are disciples of some guru, some people are disciples of so on, but we want to be disciples of Jesus. और हम देखते हैं कि जो चेले बनते हैं वो किसी गुरु के चेले बनते हैं, परंतु यहाँ पर हमें किसका चेला बनने के लिए कहा? हमें यहाँ यीशु का चेला बनने के लिए कहा है. So if we want to be disciples of Jesus, then our standard is Jesus, to become like Jesus. और यदि हम यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं तो हमारा जो स्तर है वह यीशु मसीह के समान होगा. But it doesn't happen immediately. It says after he has been fully trained, he will be like the teacher. और यह जो बात है, हम उसका शिष्य बनेंगे, यह तुरंत ही अचानक से नहीं होगा, परंतु यहाँ पर जैसे वचन में पढ़ते हैं कि जैसे जो कोई सिद्ध होगा वह उसके समान होगा. So but is the training going on now? और अब जो हमारे साथ जो हो रहा है वह एक अभ्यास चल रहा है. So this lifelong training takes place in our life to become like a disciple. और यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए हमारे जीवन भर हमारे साथ में एक अभ्यास होता रहेगा. So we are not fully trained, but are we trained to some extent? और हम पूरी तरह से अब अभ्यास नहीं कर चुके, लेकिन क्या हमने कुछ हद तक अभ्यास किया है? And if we are trained to some extent, we will be like to some extent like Jesus. और यदि हमने कुछ हद तक अभ्यास किया है तो हम कुछ हद तक यीशु मसीह के समान भी बने होंगे. The nature of Jesus, what he has portrayed on earth as he lived, is so fascinating and wonderful. और वह स्वभाव, वह स्वभाव चरित्र जो यीशु मसीह का इस धरती पर जब वह जीवन बिता रहे थे, जिसे उन्हें प्रकट किया, वह अद्भुत था. He has taught us some things which naturally does not come to us. और उन्होंने कुछ ऐसी बातें सिखाई जो स्वाभाविक रूप से हमारे पास नहीं आती है. Bless those who curse you. और जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें तुम आशीष दो. Pray for those who persecute you. और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो. This is not a life of a natural man. और एक स्वाभाविक रूप से शारीरिक मनुष्य के जीवन ऐसा नहीं होता है. But for all of us who are going to be disciples, God will allow situations to come. लेकिन हम सभी जो यीशु का शिष्य बनना चाहते हैं, उसके चेले बनना चाहते हैं, तो ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी. And when we practice that, we will see the life of Jesus and we'll enjoy the fruit of the life of Jesus. लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे, तब हम उसके जीवन का जो फल है, उसे हम अपने जीवन में उसका आनंद उठाएंगे. We heard some of the testimony of Brother Vijay, the thing that, you know, what he was before and what he is now, the transformation. That is what happens in the life of a believer. और हम देखते हैं जैसे भाई विजय ने अपने जीवन के विषय में गवाही दी थी कि वह उनका जीवन पहले कैसा था और अब उनका जीवन कैसा है. और यही एक गवाही, यही एक बदलाव जो एक विश्वासी के जीवन में आता है. So may God help us to have that prayer in that, Lord, I want to be your disciple. I want to be like you only. परमेश्वर हमारी सहायता करके हमारी यह प्रार्थना सदैव बनी रहे कि प्रभु मैं तेरे समान तेरा शिष्य बनना चाहता हूँ. And there's a verse which says in first John chapter 3. और एक वचन जो हम पहले योन्ना और उसके तीसरे अध्याय में देखते हैं. Everyone who has this hope of seeing Jesus, verse 1 John 3:3. Everyone who has this hope of seeing Jesus fixed on him purifies himself just as he is pure. और हम पहला योन्ना अध्याय 3 और वचन 3 में देखते हैं, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है. Brothers and sisters, I've tasted this fruit and I find it is so good. Initially, the dying process is painful. अब भाई बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इस जीवन को मैंने चखा है, इस जीवन के फल का मैंने स्वाद दिया है. अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शुरुआती दिनों में, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन यह बहुत अच्छा है. But remember, there's always a resurrection after that. लेकिन इस बात का हमेशा आप स्मरण रखें कि एक पुनरुत्थान हमेशा होता है. Brother Vijay said that there's a dying and then there's a resurrection. जैसे भाई विजय ने बताया कि पहले मरना होता है, उसके बाद में पुनरुत्थान होता है. What is a resurrection? The good fruits of peace and joy. और पुनरुत्थान क्या होता है कि ऐसा फल लगता है जो शांति और आनंद के होते हैं.
So that is the life that we partake when we deny ourselves. और उस जीवन के हम सहभागी बनते हैं जब हम अपने आप का इनकार करते हैं. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. भाई विजय के द्वारा की उत्तेजन देने वाले वचन मिला हमें. From brother Vijay, we got a very encouraging speech. So चेले बनने कितनी गंभीरता के हम सोचना चाहिए जब हम मसीह के पास आते हैं. To be a disciple, as a response, we need to think when we come to Jesus Christ. लोग कुछ साल पहले मैं एक मसीह सभा में बैठा था. वहाँ पर एक प्रचारक आया था. A few years back, I was sitting in a Christian meeting and session was going on. और मैं इतना अच्छी सुंदरता से तैयार होके वहाँ पर बैठा हूँ कि जैसे कि एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति की तरह एकदम सुंदर देवदूत की जैसा बैठा हूँ तैयार होके. And I was sitting there fully prepared and ready like a newborn Christian. कोई भी सोचेगा कि ये भाई बहुत आत्मिक व्यक्ति है. नहीं तो कोई भी सोचेगा मुझे देखकर, है ये भाई कई सालों से चर्च में बढ़ता होगा इसलिए बहुत सुंदर दिख रहे आत्मिक रीति से. If anyone would see me, they would think, oh, this person must be a very spiritual man and how nicely he is sitting here. और मुझे भी लग रहा था मैं भी बहुत सुंदरता से यहाँ बैठा हूँ और अच्छा तैयार होके बैठा हूँ, वो आत्मिक व्यक्ति हूँ करके मैं खुद समझ रहा था. And I also was thinking like I'm sitting in such a pure way, such a spiritual way, and I'm really something. और जो भाई जो प्रचार करने वाला भाई स्टेज पे आया और एक वर्ड कहा उसने, कुछ भी प्रचार बढ़ाने की एक वर्ड कहा. And that person who was supposed to speak, he came to stage and he just said one word. He hadn't started speaking yet. He just said one word. वो शुरुआत की वर्ड ये था कि ये है कि यहाँ बैठे हुए सभी लोग नया जन्म पाया हुआ नहीं है. And the first thing that he said that all those people sitting here, none of you have eternal life. बहुत सारे 500 के ऊपर लोग हैं. उसमें मैं एक सुंदर व्यक्ति के जैसे तैयार होकर बैठा हूँ और वो शब्द आया कि यहाँ बैठा हुआ कई में से पर नया जन्म नहीं हुआ. And there were around 500 people and I was sitting there really well dressed and all. And I and this word that this person said that none of you have had a new life. और वो शब्द मुझे ऐसा लगा कि जो प्रचार करने वाला व्यक्ति एक गंदगी लेकर एक ऐसा डब्बा गंदगी का डब्बा लेकर मुझ पर फेंका है. And that word that that person spoke, it was like somebody took some mud and just threw it on. और बहुत सारे लोग बैठे हैं लेकिन किसी को भी वो गंदगी का डब्बा उस पर नहीं गिरे, लेकिन मुझे लगा कि वो गंदगी का डब्बा मुझ पर ही गिरा है, लेकिन मैं वहाँ पर एकदम सुंदरता से तैयार होके बैठा. I don't know, nobody else felt it like that, but I who was sitting there, I felt that mud falling on me and everyone must have seen me sitting so nicely, but brother, I was feeling dirty. Brothers and sisters, हम कलीसिया की संख्या में बड़ा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आके चेयर को भर सकता है, हॉल को भरा देंगे, लेकिन यीशु मसीह के चेले बनने के लिए बहुत पीछे रहेंगे कभी कभी. Brothers and sisters, maybe our number may be increased, maybe our hall may have become bigger or the number of chairs have become bigger, but in following Jesus we must be way behind. तो शर्तें क्या है यीशु मसीह का चेले बनने का, शर्तें क्या है? यीशु ने बोला कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हो, अपना माँ बाप को छोड़ो, भाई बहन का छोड़ो, अपना पत्नी का भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, आखिरी में अपनी खुद की इच्छा को भी छोड़ो. But what do we need to follow Jesus? That we have to deny ourselves, leave our mother, father, brothers, sisters, even our wife, and even our own self. We have to hate. यीशु मसीह ने जब कहा कि माँ बाप को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, भाई बहन को, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसको एकदम नाकारना नहीं है. उसका मतलब ये है कि मसीह का प्रेम से उनका प्रेम आपको कितना अंतर है. When Jesus said to leave your mother and father and your family, it doesn't mean to like just ignoring them, but it means that the comparison of the love that we have for Jesus and then the love that we have for Yeshu our family. Yeshu Masih ye nahi kahega ki are masi mein jude hue wife hai, masi mein jude hue aadmi hai, to aapka patni ko chhod kar alag raho, is tarah se kabhi nahi kehta, lekin ye kehta hai ki masi ka prem se aapka patni se prem kitna antar hai. When we are in union with Jesus, we don't mean that we should leave our wife and our family, but it means that the love that we have for Jesus
In comparison to that, the love that we have for our family should be like hating. Brothers and sisters, chele banne ke liye, jaise Matthew aur Bhai Vijay se bhi suna, humko kimat chukana padta hai. To be a disciple, there's a price we need to pay. Wo kimat kya ho sakta hai? And do you know what's the price that we need to pay? कई बार आपकी सुबह का समय एक भाई ने लिंक भेजा मीटिंग में ज्वाइन हो जाओ लेकिन आपको भारी नींद में अच्छा लग रहा है सोने के लिए लेकिन आप कीमत नहीं चुका पा रहे उस मीटिंग में बैठने के लिए यही है चेले बनने का कीमत sometimes there's a meeting that we need to join and we are having a beautiful sleep and we need to leave that sleep and join the meeting so this could be the cost of discipleship chele banne ka ardh hai ki kai bar aap parivar ke sath itna lagav mein rehte hain jude rehte hain ek bhai bolega ki lete yeshu masih bolega ki jao aise ek behan hospital mein hai ek bhai kidhar kabristan ki takleef mein hai to us bhai ko milo to humko वहां पर हमको कितना कीमत चुकाना पड़ता है परिवार को छोड़ के जाते हैं या परिवार के साथ लगाव में बैठते हैं sometimes we must be having a nice get together with our family and then some brother or maybe God speaks to us to go and visit another brother in need or somebody who's in need in at a burial site do we pay the price of discipleship and leave that family get together and go and obey Brothers and sisters is sansar mein kimat chuka bina kuch bhi nahi milega even 1 rupaye ka bhi aap kimat nahi chukayenge is sansar mein aap kuch bhi nahi payenge if you can't pay the price of discipleship then you can have nothing in this world yeah, kitna mahatva baat hai jab yeshu masih ka chele banne ke liye agar aapko kimat chukana hai to aap kitna gambhirta se isko lena hai aur kya cheez aapko tyagna hai apne aap ko prashn karna hai When we have to pay the price of discipleship, we have to consider it very carefully, and we have to understand what is it that the cost of discipleship is. Luke chapter 14, verse 33. कोई हिंदी में पढ़े बहुत ही प्रोत्साहजनक वचन है ये. Luke chapter 14. Luke 14 verse 23 is a very encouraging verse. 33. Can someone read it? जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता यहाँ पर क्या लिखा है इसके पहले कई बार यीशु ने सिखा है कि माँ बाप को छोड़ो भाई बहन को छोड़ो खुद की इच्छा को छोड़ो मेरी क्रूस छोड़ो क्रूस उठाकर चलो सब कुछ बताया लेकिन 33 में क्या लिखा है अपना सब कुछ त्यागना है Before verse 33, Jesus says, "You leave your mother, leave your father, leave your family." But here in verse 33, Jesus says, "Leave everything, forsake all that He has." Brothers and sisters, आपकी आत्मिक जीवन बनाने के लिए परमेश्वर सारा चीज नहीं देगा. तो आपको क्या करना है? तो कहाँ से मिलेगा? आपके पास जो है, वो देना पड़ेगा. For our spiritual life, it's not that God is going to give everything, but from where will we get it? What we have, we need to forsake that. जैसे कि नोवा का समय हम देखते हैं कि वो जहाज बनाने के लिए सारा जो जरूरत थी वो परमेश्वर ने इंतजाम नहीं किया वहाँ पर नोवा का खुद की जेब से निकालना पड़ा. When during the time of Noah, when Noah had to build the ark, God didn't provide for him with all the wood, but Noah had to spend from his pocket for all the requirement for the ark. Yeah, आखिरी दिन नोवा के दिन की जैसे रहेगा. बस बाइबल में नोवा की तरह रहेगा दिनों. आपको क्या करना पड़ेगा? नोवा का तरह अपना समय निकालना पड़ेगा, अपनी इच्छा को त्यागना पड़ेगा, अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, सब कुछ अपना अपना अपना. Jesus said that in the end the days will be like the days of Noah, where we have to give our belongings, our time, our effort to follow Jesus. So tab aap Yeshu Masih ka chele ban sakte hain. Then you can follow, become a disciple of Jesus. We have heard many words of the ways of being a disciple. और हमने कई सारे ऐसे वचन सुने हैं कि कौन कौन से वैसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम यीशु का शिष्य बन सकते हैं. Does anybody know the example that Jesus gave? लेकिन क्या कोई उस उदाहरण को जानता है जो यीशु मसीह ने दिया है? We have heard the word crucify yourself. We heard the word to crucify yourself. और हमने वचन सुना कि हमें अपने आप को क्रूसित करना है. Now the way to crucify yourself, Jesus gave an example. और अब अपने आप को यदि आप क्रूस पर चढ़ाना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने उसके लिए एक उदाहरण दिया है. To we all know that example. और हम सभी उस उदाहरण को जानते हैं. I'll show it to you.
मैं आपसे बताना चाहता हूं, जॉन 13 योना अध्याय 13, योना अध्याय 13 वचन 4 5 और 6। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? So Peter asks Jesus, are you going to wash my feet? और यहाँ पर हम देखते हैं पतरस जो है वह यीशु मसीह से पूछता है कि क्या तू मेरे पांव धोता है? The answer is that comes in number 12, verse 12. और उसका जो उत्तर है वह अगले वचन में, वचन 12 में हम पढ़ते हैं। When he had washed their feet and put on his outer garments, he resumed to his place and said to them, Do you understand what I have done to you? जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? It means Jesus washed his disciples' feet. और इसका मतलब है यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव धोए। A God, a man who has come from God, will he wash the disciples' feet? और एक हम देखते हैं एक व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से है वह उसके चेलों के पांव धोता है। If we call ourselves disciples, are we all ready to wash anyone's feet over here right now? और यदि हम अपने आप को यीशु मसीह का चेला कहते हैं तो क्या हम अभी इसी समय एक दूसरे के पांव धोएंगे? I guarantee you, no one will do it. और मैं आपको आश्वासित करता हूं कि हम नहीं कर पाएंगे। Because everything is words, nothing in action. और क्योंकि सब कुछ जो है वह शब्दों में है, कार्य में नहीं। And the actions come from here. Verse 13, brother. अब वचन 13 हम पढ़ते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। And 14. यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। तुम भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। See the example that God is giving us to be his disciples. और हम यहाँ पर देख, he says, you call me a teacher. और हम यहाँ पर follow me. Then do what I am telling you also, and do as I am doing. हम यहाँ पर उस उदाहरण को देखते हैं जो यीशु मसीह हमें देते हैं। वह कहते हैं कि क्या तुम मेरे चेले बनना चाहते हो? जैसा मैंने किया है तुम्हारे साथ वैसा तुम करो। Verse 15 and 16, brother. क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। Amen. Amen. And this is what the example God is giving us, that the real way to be a disciple, how to crucify yourself, not in words but in action, to do it and to prove that we are really disciples of God. और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हमें बताते हैं कि हम किस प्रकार से उसका शिष्य बन सकते हैं। उसके लिए हमें अपने आप को क्रूसित करना होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका क्रूसित होने के लिए हमें एक दूसरे के साथ कैसे क्या व्यवहार करना है। I don't become a disciple standing here and speaking the word of God. और मैं केवल यहाँ पर खड़े होकर परमेश्वर का वचन प्रचार करने के द्वारा ही उसका शिष्य नहीं बनता। My discipleship will only prove amongst all around over here. मेरा जो मैं यदि चेला हूं तो उसका प्रमाण ऐसे होगा कि मैं यहाँ पर औरों के साथ में जो माय बिहेवियर, माय एटीट्यूड, मेरा स्वभाव, मेरा उद्देश्य, आई हैव रियली पुट ऑन क्राइस्ट और नॉट, कि क्या मैंने वास्तव में यीशु मसीह को अपने ऊपर ले लिया है या नहीं। आई एम रियली फॉलोइंग क्राइस्ट, क्या मैं वास्तव में यीशु मसीह का अनुसरण करता हूँ। आई एम रियली डिनाइंग माय सेल्फ, क्या मैं सचमुच अपने आप का इनकार करता हूँ। As Jesus denied himself as a teacher and became a servant to even wash his disciples' feet. और हम देखते हैं यीशु मसीह जो स्वामी थे, गुरु थे, फिर भी उसने अपने शिष्यों के पैर धोए। Are we ready for that? और क्या हम उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं? The day we are ready completely not to serve, not to be served, but to serve, then we'll be one of these disciples. लेकिन उस समय जब हम तैयार हो जाएंगे कि ना केवल हम औरों से अपनी सेवा करें परंतु हम औरों की सेवा करें, तब हम उसके शिष्य बन पाएंगे। We had a nice sharing today, so we heard how a disciple should be. So I just want to share why Jesus told this.
So why these commandments are given? So I can think of two reasons. One is for the life which are having, and another is for the life which we yet to have. और अद्भुत वचन आज हमने सुना है और इसके विषय में दो बातें मैं आप सभी के सामने बांटना चाहता हूं जो हमारे जीवन से संबंध रखती है, ऐसा जीवन जो अभी हमारे पास हम जीते हैं और दूसरा जो आने वाला जीवन होगा। If you turn to 2 Timothy and second chapter, हम देखते हैं दूसरा तिमोथियुस और उसका दूसरा अध्याय 4th verse, soldiers don't get tied up in the affairs of civilian life for then they cannot please the officer who enlisted them. और हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथियुस अध्याय 2 और वचन 4, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। No, since I am from a defense background, I came to know that if any civilian wants to join an army, you should not have any emotional relationship with any person. और जहां तक सवाल उठता है मेरा, मैं एक सुरक्षा कर्मी हूं और जो जो कोई भी व्यक्ति नागरिक योद्धा बनना चाहता है और लड़ाई में शामिल होना चाहता है तो वहां पर उनके जो भी रिश्ते और नाते होते हैं भावनात्मक रूप से जुड़े हुए, वहां पर उन्हें भी खत्म करने पड़ते हैं। So why? क्यों? Because it will become a weakness to him. क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो यह उसके लिए कमजोरी बन जाएगी। So that the enemy will easily attack. ताकि जो शत्रु है वह आसानी से उस पर हमला कर सकेगा। It's the same for our spiritual life. और यही हमारे आत्मिक जीवन के साथ में भी होता है। We do have an enemy. और हमारा भी शत्रु है। We don't wrestle with men and blood. और हम मांस और लहू के साथ में हम युद्ध नहीं लड़ते हैं। But we do have a wrestle against Satan. लेकिन हमारा जो लड़ाई है वह शैतान के विरोध में है। So when Satan came to Jesus in the final, when Jesus is going to crucify, he told, I have nothing for him to take. और हम देखते हैं जब शैतान आखिर में अंत के समय में यीशु मसीह के पास आता है, तब यीशु मसीह कहता है कि उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। Do you know why Adam have fallen? और क्या आप जानते हैं क्यों आदम गिर गया? Eve, he had a so emotional relationship with Eve. क्योंकि आदम का जो संबंध था हव्वा के साथ में वह बहुत ही भावनात्मक रूप से था। That's why he disobeyed the God's command. और यही कारण था कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। The same with the Abraham. और यही अब्राहम के साथ हुआ। He listened to the Sarah's voice and disobeyed. और उसने अपनी पत्नी सारा की बात सुनी और उसने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया। So no things in the world should be our weakness. और कोई भी ऐसी बात इस संसार में हमारी कमजोरी नहीं बनने पाए। We are in the last days. और हम अंतिम समय में हैं। Jesus told us to be watchful. और यीशु मसीह ने हमें कहा है सावधान रहने के लिए। Satan is coming like a lion to devour us. और शैतान जो है वह एक गरजने वाले सिंह के समान आ रहा है फाड़ने के लिए। So this is the one of the reason I think of that Jesus told us to live this kind of life so that we have a victory over Satan. और एक कारण जो मैं पाता हूँ कि यीशु मसीह इस प्रकार के जीवन के लिए हमें बुलाते हैं ताकि हम पाप के ऊपर जय पा सकें। And the second reason I can think of is this world we are just a stranger. और दूसरा कारण जो मैं पाता हूँ इस संसार में जहाँ पर हम परदेशी हैं। Bible says time is too short. और बाइबल कहते हैं कि समय थोड़ा सा बाकी है। Jesus is going to come soon. और यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। When he comes, और जब वह आएंगे, our mortal bodies will turn to an immortal bodies. और हमारा जो नाशवान शरीर है वह अविनाशी शरीर में बदल जाएगा। So we do get a different body. और हम एक दूसरे शरीर को पाएंगे। We will be taken up into heaven with Jesus. और हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। So when we go there, और जब हम वहां पहुंचेंगे, we will be like angels. हम स्वर्गदूत के समान होंगे। There is no men and there is no woman there. और वहां पर कोई पुरुष, वहां पर कोई स्त्री नहीं। There is no father, there is no mother. वहां पर कोई पिता, वहां पर कोई माता नहीं होगी। The same life that Jesus told us to live here. और वही जीवन जो यीशु मसीह ने हमसे इस धरती पर जीने के लिए। Love everyone spiritually. हर एक व्यक्ति से आत्मिक रीति से प्रेम करो। That's why Paul told Timothy, treat every older woman as your mother. इसलिए यही कारण है कि पौलुस ने तिमोथियुस को ऐसी आज्ञा दी थी कि हर एक वृद्ध स्त्री को अपनी माता के समान जानो। Before I come to Christ, I only had one mother. और मसीह में आने से पहले मेरे केवल एक ही माता थी। After I come to Christ, whoever doing the will of God is my mother.
और लेकिन मसीह में आने के बाद हर एक वो स्त्री जो परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं मेरी माँ के समान है. Same with father and sisters. और वही मेरे पिता और मेरी बहनों के साथ में भी है. Thank you, glory to God. धन्यवाद प्रभु को महिमा मिले. प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आज हमने सुना. I want to thank God for whatever we've heard today. जब मैं नया नया यीशु मसीह में 2010 साल में यीशु को मैंने जाना था. When I newly came to the Lord in year 2010. और जब मैंने यीशु का शिष्य बनने का जब ये बातें सुननी थी. And when I heard about becoming a disciple of Jesus. शिष्य बनने का मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ जो पास्टर स्टेज में खड़े हैं वो they are the real disciple. I thought the pastors who are standing on the stage on dais they are the disciples. कई बार हमारी mentality ऐसी होती है जो यीशु के नाम में बड़ा-बड़ा चमत्कार करते हैं. मुर्दों को निकाल जिलाते हैं शैतान को छुड़ाते हैं वो यीशु के शिष्य when we see this great miracles like raising up from the dead delivering from the evil spirits they must be disciples of Jesus. खड़ारे के यहां प्रचार करते वो यीशु के शिष्य है. The people who stand here and preach they must be disciples. मैं ऐसे सोचता था. I used to think like that. और मैं खुद को क्या सोचता था. And what I used to think about myself. मैं सोचता था मैं एक नया बिलीवर हूं. I used to think I'm a new believer. मैं एक बिलीवर व्यक्ति हूं. I'm a believer. लेकिन मैं डिसाइपल नहीं हूँ. But I cannot be a disciple yet. आप लोग भी मेरे से भी बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे. Maybe some of you also think. मैं तो प्रभु के लिए क्या कर रहा हूँ. What am I doing for? मैं तो कुछ नहीं कर रहा. खाली आके बैठ के जाता हूँ. I'm not doing anything. I'm just sitting here and going back. मैं तो यहाँ प्रचार भी नहीं करता ना किसी के लिए प्रार्थना करता. मैं तो सिर्फ संडे आता हूँ प्रार्थना करके जाता हूँ. I'm not praying or preaching. I'm just coming here. मैं ऐसे सोचता था कि मैं एक बिलीवर हूँ. I used to think I'm a believer. लेकिन जब मैंने मत्ती अध्याय 7 में पढ़ा. But when I read Matthew chapter 7. वहाँ पर यीशु मसीह कहता है बहुत सारे लोग उस दिन आकर कहेंगे हे प्रभु क्या तेरे नाम से मैंने ये चिन्ह नहीं किए थे. Jesus said that in that day many will come and say Lord Lord did we not do all these miracles in your name. क्या तेरे नाम से मैंने भविष्यवाणी नहीं की थी. Did we not prophesy in your name. क्या मैंने भूतों को नहीं निकाला था. Did we not raise people from the dead in your name. क्या मैंने मुर्दों को नहीं जिलाया था. Did we not raise people from the dead? और यीशु उनको क्या बोलता है मैं तुमसे खुलकर कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता. And then what Jesus says, I will tell openly, I never knew you. उस दिन मेरे दिमाग का प्रकाशन मिला मुझे. That day I got a revelation in my तब मैंने ये जाना ये तो सारे एक सेवकाई है. I realized that all these are just serving. लेकिन ये real disciple ये नहीं जो स्टेज में आकर बोल के जाते हैं चमत्कार करते वो नहीं है. But true disciples are not the people who do all these miracles and preach on the stage. Brothers and sisters, आपको पता है real disciple कौन है? But brothers and sisters, do you know who is a real disciple? मत्ती अध्याय 28. Matthew chapter 20. उसका 20वां वचन. Verse 3. वहाँ पर यीशु मसीह कहता है जाओ. जब स्वर्ग जाने से पहले यीशु मसीह कहता है अपने शिष्यों को जाओ. Before Jesus was went to heaven, Jesus says to his disciples. और कहता है उन लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. And says make disciples and baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और अभी ध्यान से सुनो. और वहाँ पर वो कहता है और उनको वो सब कुछ मानना सिखाओ जो मैंने तुमको सिखाया है. And teach them all that you have heard me speak to. So उस दिन मुझे समझ में आया खरा disciple कौन है. That day I realized who is a disciple. प्रचार करने वाला नहीं. Not the one who speaks. गीत गाने वाला नहीं. Not the one who sings. चमत्कार करने वाला नहीं. Not the one who does miracles. लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वो खरा disciple है. But the one who obeys the God's will is the disciple. वहाँ पर हम वो पढ़ सकते हैं यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ मैंने तुमको सिखाया वो उनको करना सिखाओ. Jesus says, whatever I taught you, you make them also learn. अगर brothers and sisters, जो कुछ प्रभु आपको सिखाता है, अगर वो आप करते हो, whatever you have heard, brothers and sisters from God, if you you do are it, the disciple of Christ, फिर आप परमेश्वर के चेले हो. Amen. Amen. हमको बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है. We don't need to do some big work. चिन्ह चमत्कार करने की जरूरत नहीं है. We don't need to do some miracles. यहाँ पर प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है. We don't need to even speak. Real disciple कौन है? Real disciple is जो परमेश्वर की हर दिन सुनता है, the one who listens to Jesus और उसका पालन करता है, and who obeys Bible कहता है जो कोई ऐसा करता है, Jesus says whoever does this, प्रेरित अध्याय में ऐसा लिखा है परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा देता है,
Acts says that God will give him the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा की सहायता के बिगर हम कभी disciple नहीं बन पाएंगे. Because without the Holy Spirit, we can never truly become a disciple of Jesus. हमारे खुद के बलबूते पर हम कभी disciple नहीं बन पाएंगे. By our own strength and merit, we can never become a disciple of Jesus. यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम बाहर जाना. Jesus said, when you are given the Holy Spirit, then go उसके पहले नहीं जाना. Not before that. क्या उसके पहले यीशु के शिष्य लोग चिन्ह चमत्कार नहीं करते थे? Weren't the disciples of Jesus doing signs and miracles before that? क्यों नहीं करते थे? वो लोग तो भूतों को निकालते थे. Why not? They were even अद्भुत काम करते थे. They were even लेकिन फिर भी यीशु कहता है, तुम तभी नहीं जाना जब पवित्र आत्मा आएगा, उसके बाद तुम बाहर जाना. The disciples were doing miracles, even freeing people of evil spirits. परमेश्वर पवित्र आत्मा किसको देता है? Whom does God give the Holy Spirit to? जो कोई परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है. Whoever obeys God's क्या brothers and sisters आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहते हो? Do you want to obey God's will, brothers and sisters? कितने लोगों को पता ही नहीं कि उनके अंदर होली स्पिरिट है या नहीं? Many people don't even know whether we have the Holy Spirit. कई बार पूछते हैं क्या तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं. When we ask, do you have the Holy Spirit, we get confused. क्यों confused हो जाते हैं? क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं प्रभु के लिए. Why do we get confused? Because we don't do anything for the Lord. Brothers and sisters, जो कोई प्रभु की आज्ञा पर चलता है, हर एक को प्रभु पवित्र आत्मा देता है. Brothers and sisters, whoever follows the will of God, God gives him the Holy Spirit. अगर आप आज इधर हो, क्यों हो? प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है, इस कारण हो. If you are here today, why are you here? Because God has given you the Holy Spirit. जो लोग इधर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है. Those are not there, they're not here because they don't have the Holy Spirit. So, प्रभु का सेवक बनने के लिए सबसे पहला जो पवित्र आत्मा हमको मिलता है, वो हमको धीरे धीरे प्रभु जैसा बनाता है. First of all, when God gives us His Holy Spirit, that will make us a disciple. और एक दिन में हम कोई भी disciple नहीं बनेंगे. And no one will become a disciple in one day. हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है. All of us have some lack. पत्रस 3 साल रहने के बाद भी यीशु से कहता है, 3 बार उसने deny किया प्रभु को. Peter, after following Jesus for 3 years, he denied Jesus. फिर भी यीशु कहता है कि मैं तुझसे ही कलीसिया बनाऊंगा. Even then, Jesus said, "On you I will build my church." तो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, brothers and sisters. All of us have our own deficiencies. But never think we are just a believer. लेकिन हम कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सब. कभी मत कुछ कोई कुछ पूछेगा, तू कौन है? मैं एक विश्वासी हूँ. Don't say that I'm just a believer. मैं एक विश्वासी हूँ. I'm a believer. No, I am a disciple of Christ. But I'm a disciple of Christ. मैं प्रभु का सेवक हूँ, बोलो. I'm a servant of Jesus. Why? Why? उसका reason क्या है? What's the reason for that? क्योंकि आप प्रभु का अनुसरण करना चाहते हो. Because you want to follow Jesus. अभी आपको एक वचन दिखाता हूँ, यूहन्ना अध्याय 8 उसका 31वां वचन. John chapter 8 verse 31. देखो वहां पर यीशु क्या कहता है. What does Jesus say here? तब यीशु ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया था. देखो पहले जब यीशु के पास आए थे, उन्होंने विश्वास किया, करेक्ट. हम भी यीशु के पास आते हैं तो पहला क्या करते हैं? विश्वास करते हैं. Whenever we come first to Jesus, we believe him. Yes? हम सब लोग ऐसे ही थे. All of us were like जोर से आवाज नहीं आई चर्च, हम सब ऐसे ही थे. Can we hear from you? हम जब यीशु के पास आए, हम विश्वास करके आए. When we came to Jesus, we believed on him. अब ध्यान से सुनो यीशु क्या कहता है. Now see in verse 31, what does अब Jesus तुमको विश्वासी बन के नहीं रहना है. यीशु क्या कहता है? What does Jesus say in John 8:31? अब उनको आगे कहता है, अभी तक तुमने विश्वास किया, लेकिन अभी मेरे बात ध्यान से सुनो, यीशु कहता है. Then Jesus said, if you abide in my word, अभी तक तुम विश्वासी थे, अभी तुमको क्या बनना है? यीशु कहता है. He said, you are believers, but now listen what you have to do. देखो वहाँ पर वो कहते हैं, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, तो अभी तुम विश्वासी नहीं रहोगे, अब से तुम मेरे चेले ठहरोगे. Then Jesus said, if you abide in my word, you are my disciples. Brothers and sister, आपने सुना? खास करके sister लोग ने सुना? Did you hear? Especially the यीशु क्या कहता है यहाँ पे? What does Jesus say here? अभी तक तुम विश्वासी थे. Till now you are believers. आपने यीशु पे विश्वास किया. Yes, you believed in Jesus. प्रचार सुनके आपका encourage हुआ. Yes, you heard the message. लेकिन यीशु बोलता है, इतना ही नहीं, अभी रुको मत. But Jesus says not just this much. अब तुम obey करो. Now you obey. अब तुम obey करो. Obey. मेरी बात को सुनो. Obey my words and और listen. तुम क्या बनोगे? And then what will you become? You will become a disciple. Amen. Amen. तो डिसाइपल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? What do you need to do to become a disciple? Obedience. ओबे करना पड़ता है. Amen. हम सबको डिसाइपल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? भूतों को निकालना पड़ेगा?
to become a disciple of Jesus, do we need to drive out evil spirits? करना पड़ेगा? Do we need to do miracles? प्रचार करना पड़ेगा? Do we need to become a preacher? No. यीशु क्या कहता है? If you obey my words, truly you will be my disciple. What does Jesus say? If you obey my words, truly you'll become. अगर तुम मेरे वचनों का पालन करोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे. If you obey God's word, definitely become a disciple. और एक यीशु ने चिन्ह दिया. अगर आपको अपने आप को जांचना है. And another sign that Jesus showed to check ourselves. Are you a real disciple? आप क्या सचमुच आप real disciple हो? If you really are a disciple of Jesus. यीशु कहता है तुम्हारे अंदर का प्रेम से लोग जानेंगे कि तुम यीशु के शिष्य हो. That by your love, the people will know that you are his disciples. तुम्हारे अंदर जो प्रेम है भाइयों के प्रति, चर्च के प्रति, एक दूसरे के प्रति, उससे लोग जान पाएंगे you are a real disciple. That the love that is there inside you, seeing that the people will know that you are Jesus' disciple. So brothers and sisters, परमेश्वर ने हम सबको विश्वासी बनने के लिए नहीं बुलाया है. So brothers and sisters, God has not just called us to be believers. जैसे हम मत्ती अध्याय 28 के 20 में पढ़ते हैं. Just like how it says in Matthew 28:20. कोई भी आपको पूछता है आप कौन हो? If anyone says, who are you? मत बोलो मैं विश्वासी हूँ. Don't say you're a believer. You say I am a disciple of Christ. Say I'm a मैं यीशु मसीह का चेला हूँ. मैं यीशु मसीह का दास हूँ. That I'm a servant. क्या ये सुनके आपको अच्छा लग रहा है? Do you like? क्या विश्वासी तक हम सीमित थे? Can we be limit ourselves? देखो विश्वासी बनना बहुत इजी है. विश्वासी बनना बहुत इजी है. Becoming a believer is very easy. हाँ यीशु चमत्कार किया मैंने विश्वास किया. Yeah, Jesus did this miracle, so I believe. लेकिन disciple बनना मुश्किल क्यों है? But being a disciple, why is it difficult? क्योंकि जो यीशु कहता है वो हमको करना है. What Jesus? Because we have to obey what Jesus says. यीशु कहता है अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग कहेंगे प्रभु मैं विश्वासी हूँ. In Jesus says in those days many people will come and say Jesus I'm. लेकिन यीशु बोलेगा मैं तुमको नहीं पहचानता. But Jesus will say I do not. आप मलाकी पुस्तक अध्याय 3 में देख सकते हो. In Malachi chapter 3. यीशु कहता उस दिन मैं उस भेद को खोल दूंगा. That I will open. भेद. I will show the difference. कौन मेरा सच्चा दास है और कौन नहीं है? Who is my servant and who is not Brothers my servant? Brothers and sisters, उस दिन जब वो दिन आएगा. Brothers and sisters, when that day will come. आपको बहुत बड़ा surprise होएगा. We will all be very surprised. क्योंकि बहुत बड़े-बड़े प्रचारक को जो हम TV में देखते हैं और जो सुनते हैं, इसने ऐसा किया, वैसा किया. In that day we'll see many big speakers. परमेश्वर on TV. उनका भेद खोल देगा. And here and there, God. और बोलेगा ये तो मेरे disciple है ही नहीं. God will show that they were never my disciples. और उस दिन बहुत सारे लोग चकित होंगे. And many will be surprised. बोलेंगे ये तो खाली कलिसिया में आके बैठते थे. अरे many people say they were sitting in ये church. ये तो कुछ करते नहीं थे. They were not doing anything in लेकिन church. लेकिन यीशु कहता है ये मेरे चेले हैं. But Jesus may say of them that they are my disciples. उसका reason क्या होगा आपको पता है? And you know what is the reason for obedience. That? Obedience. आपने छोटा-छोटा बात का प्रभु का उबे किया था. That in the small things that you obeyed the Lord. और प्रभु ने बोला ये मेरे सच्चे शिष्य हैं. Then the Lord will say yes these are my disciples. यीशु ने खुद खुल के कहा ये मेरी माँ और मेरे भाई बाहर नहीं खड़े हैं. Then Jesus himself said my mother and brother are not the ones who मेरे माँ और मेरे भाई कौन हैं? Who are my mother and जो यहाँ मेरे वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं. The ones who listen to my words and obey. So हमारा रिश्ता प्रभु के साथ तभी बनेगा. When will our relationship जब उसका वचन हम सुन के उसका पालन करेंगे. When we listen to his words and obey. So brothers and sisters, we have a great calling in our life. हम सबके लिए अद्भुत बुलाहट है. We have a great calling in our lives. As a disciple of Christ. As a disciple of. तो प्रभु हम सबकी सहायता करेगा एक खरा disciple बनकर चलने के लिए. That God will help us to be a true disciple. इसीलिए उसने अपना पवित्र आत्मा हम सबको दिया है. That's why Jesus gave us the Holy Spirit. और जैसे भाई मैथ्यू ने कहा है ये एक दिन का काम नहीं है. And like brother Vijay said, this is not just one day. We are a work in progress. हम हर दिन हमारे अंदर बदलाव होता है. It's a work in progress. और हम सबके अंदर एक कार्य प्रभु ने शुरू किया है. And God has started this work in each of us. और कौन खत्म करेगा? And who will help us? पौलुस कहता है मुझे इस बात का भरोसा है. And Paul says that I have this faith. जिसने मुझ में कार्य आरंभ किया. That the one who began the good work. ध्यान से सुनो चर्च. जिसने मुझ में कार्य आरंभ किया. The one who began the good work in me. वो उसको पूरा करेगा. He himself will finish. Disciple जिसने आपको बनाया है. The one who made you a disciple. वो आपको साथ में लेके चलेगा. He will carry you. आपको क्या करना है? What do you have to do? बड़ा कुछ काम नहीं करना है. You don't have to do anything big. सिर्फ obey करो. Just you need to obey. Every day प्रभु जो आपसे बातें करता है. What we hear from God every day. हर दिन obey करो. Every day we need to obey. सिर्फ छोटे-छोटे बात में विश्वास योग्य रहो. In small things. प्रभु आपको बहुतों का अधिकारी बनाएगा.
God will make you a ruler. So brothers and sisters, time is up.